मीडिया में एक बहुत प्रमुख खबर छपी है कि 267 गुरु महाराज के पावन स्वरूप जड़े आ रिकॉर्ड विचों मिसिंग होए आ। जिहड़ा वो सज्जन रिटायर होया सुपरवाइजर उन्हें कहा वा कि 40 स्वरूप किसी डेरे ते किसी रिकॉर्ड तो बिना भेजे गए, जिहदे वास्ते अकाल तख्त साहब जी के जथेदार होना दे आदेश ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक पड़तालिया कमेटी बनाई है। लेकिन वो पड़तालिया कमेटी उन्हां लोकां दी बनाई है जिन्हां लोकां दे हुंदिआं एक घटना वापरी है। उस समय तो लैके अज तक जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते काबज लोग ने, भावें वह श्रोमणी कमेटी के मैंबर ने ते भावें वह श्रोमणी कमेटी के अधिकारी ने, उन्हां चों किसे ने भी इन्हां चौं सालां च इस गल नूं सिख कौम नूं दसण दी खेचल नहीं कीती भी की घटना वापरी है। लेकिन एक मुलाजम जिहड़ा उन्हां दा रिटायर होया जिहदे तों पता लगा कि वह घटना तो वापरी है, लेकिन उहदे तों भी वड्डी घटना होर वापर गई जदों 267 स्वरूप जिहड़े ने वो उन्हां दे स्टाक विच घट पाए गए। मैं समझना कि सिख धर्म वास्ते ये बड़ा संवेदनशील मसला आ। ये लिखती तौर पर प्रधान साहब श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तो श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार जी के नोटिस में लिया कि जिन्हों लोगों के हुंदियां गुनाह होया तो उन्होंने 4 साल पर्दा पा छड़िया वह कमेटी इंसाफ नहीं दे सकती कि 40 स्वरूप एक ऐसे डेरे पर भेजे गए जिथे श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा जी भी नहीं रखी जाती। ये की एक्शन होंदा किन्ना कमल होंदा नहीं होंदा, ये तो बाद असी मुड़ के मीटिंग करके असी 5 ही इकट्ठे नहीं होवांगे जेडे बाकी दे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर इस गल नूं सुहिरदता नाल लैंदे ने उन्हां नूं भी नाल लै के अगली रूपरेखा तैयार करांगे। मीडिया में एक बहुत प्रमुख खबर छपी है कि 267 गुरु महाराज के पावन स्वरूप जिहड़े आ रिकॉर्ड विचों मिसिंग होए आ। जिहड़ा वो सज्जन रिटायर होया सुपरवाइजर उन्हें कहा वा कि 40 स्वरूप किसी डेरे ते किसी रिकॉर्ड तो बिना भेजे गए। पिछले दिनों विच मीडिया में एक बहुत प्रमुख खबर छपी है कि 267 गुरु महाराज के पावन स्वरूप जिहड़े आ रिकॉर्ड विचों मिसिंग होए आ, जिहदे वास्ते अकाल तख्त साहब जी के जथेदार होना दे आदेश ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक पड़तालिया कमेटी बनाई है। लेकिन वो पड़तालिया कमेटी उन्हां लोकां दी बनाई है जिन्हां लोकां दे हुंदिआं एक घटना वापरी है। 2016 विच जदों शार्ट सर्कट हो के ते गुरु महाराज दे सरूप अगन भेंट होए ने, कुछ पानी दियां विछाड़ां वजन करके नुकसाने गए आ, अज 2020 आ गया, 4 साल हो गए इस घटना वापरी नूं। लेकिन उन्हां उस समय तो लैके अज तक जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते काबज लोग ने, भावें वह श्रोमणी कमेटी के मैंबर ने ते भावें वह श्रोमणी कमेटी के अधिकारी ने, उन्हां चों किसी ने भी इन्हां चौं सालां च इस गल नूं सिख कौम नूं दसण दी खेचल नहीं कीती भी की घटना वापरी है। लेकिन एक मुलाजम जिहड़ा उन्हां दा रिटायर होया जिहदे तों पता लगा कि वह घटना तो वापरी है, लेकिन उहदे तों भी वड्डी घटना होर वापर गई जदों 267 स्वरूप जिहड़े ने वह उन्हां दे स्टाक विच घट पाए गए। ये मैं समझना कि सिख धर्म वास्ते ये बड़ा संवेदनशील मसला आ। एक स्वरूप की बेअदबी हुई, वो
बरगाड़ी च ते अज तक सिख हिरदे वलूंदरे पए ने। लोग उम्मीद ला के बैठे ने कि उन्हां दोषियां दी पछाण होवे, उन्हां नूं सज़ा मिले, लेकिन इत्थे 267 सरूप जिहड़े ने उह मिसिंग ने। अज असीं पंज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर तुहाडे सामने खड़े हाँ। मेरे नाल मेरे तो अलावा बीबी किरणजोत कौर जी, जिहड़े मौजूदा मैंबर ने, सरदार अमरीक सिंह जी शाहपुर, सरदार महिंदर सिंह जी हुसैनपुर, सरदार गुरप्रीत सिंह जी गरचा लुधियाने तो। असीं सारिआं ने ये लिखती तौर पर प्रधान साहब श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार जी दे नोटिस विच लिआंदा कि जिन्हां लोकां दे हुंदिआं गुनाह होया ते उन्हां ने 4 साल पर्दा पा छड़िआ, उह कमेटी इंसाफ नहीं दे सकदी। ते ये जिहड़ी पड़तालिया कमेटी आ, उह जिहड़ीआं उह सिख शख्सीयतां ने जिन्हां दा इस मसले नाल कोई संबंध नहीं, मेरा कहण तो भाव वो मैंबर ते वो अधिकारी जिन्हां ने हुंदिआं ये दुर्घटना वापरी आ, उन्हां विचों नहीं सगों जिहड़े अच्छे सिख ने, विद्वान ने, जिन्हां ते किसे दा कोई प्रभाव ना होवे, जिहड़े सच सामने लिआउण दे समर्थ ने, सिक्खी उन्हां दी मानसिकता विच कुट कुट भरी आ, वो भावें कोई भी रिटायर्ड अधिकारी होवे जां विद्वान होवे, लेखक होवे, कोई भी होवे, सानू असी ते किसे दा नाम मैंशन नहीं कीता। सगों सिंह साहब जी ने आप कहा कि किसे रिटायर्ड जिहड़ा हाई कोर्ट दा जज आ उहदे कोलों ना इनकुआरी करवा दीए। असी कहा जी ये तुहाडा पैरोगेटिव आ, ये तुसां वेखणा आ, लेकिन साडी मंग असी किसे विशेष अपने जिहड़ी शख्सीयत आ उहदा जिक्र नहीं करांगे। असी ये चाहुंदे आ कि जिहड़ी असलीयत आ उह साध संगत दे सामने, सिख कौम दे सामने आवे, तां कि पता लग सके कि ये 267 सरूप जिहड़े ने ये किधर गए। तुहाडे सामने सोशल मीडिया ते भी आया, जिहड़ा उह सज्जण रिटायर होया सुपरवाइजर, उहने कहा वा कि 40 सरूप किसे डेरे ते किसे रिकॉर्ड तो बिना भेजे गए, जबानी हुक्मां ते भेजे गए। तो सोशल मीडिया से साडे भौर साहब ने भी ये गल का जिक्र किया कि 40 सरूप एक ऐसे डेरे ते भेजे गए जिथे श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा जिहड़ी आ वह भी नहीं रखी जाती। तो मैं रोकया भी उत्थे दे मैंबर ने उस एरिए दे, वो कहिंदे मैं रोकया भी इत्थे ना भेजो, मेरे रोकण के बावजूद भी 40 सरूप उत्थे भेजे आ। हुण पता नहीं कि ये जिहड़े सरूप 267 ने किन्हां हत्थां च गए ने और किवें उन्हां दी बेअदबी होई होएगी, जां किन्हां लोकां कोल गए आ जिन्हां नूं मर्यादा का पता ही नहीं। सो असी इहदी संवेदनशीलता नूं मुख रख के अज पंजां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां ने अपील की आ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब नूं ते श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार साहब नूं कि ये असलीयत जिहड़ी आ वो सिख कौम के सामने लियानी चाहिए आ। तो सानू उम्मीद आ कि सिंह साहब जी सानू मिले ने, प्रधान साहब तो मिले नहीं, उन्होंने कहा आ कि मैं कुछ दिन वेखांगा कि जिहड़ी कमेटी बनाई आ की करती आ, तो जे वो मैनू मेरी तसली ना हुई कि उन्होंने कोई ठीक गल नहीं की, तो फिर मैं अपने लैवल से जिहड़ी तुसां बेनती की उहदे ते अमल करदे होए असी आने वाले समय च असलीयत जिहड़ी आ उह सिख कौम दे सामने लियावांगे। मैं पंजां ही मैंबर साहिबां वल्लों सिंह साहब जी का धन्नवाद करना कि उन्होंने सानू ये इंश्योरेंस दिती आ कि वह सच जिहड़ा आ वो सामने लियाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी अज जो उन्होंने अपील करके चले हाँ, असी इत्थे तक सीमित नहीं रहांगे। इहदे ते की एक्शन हुंदा, किन्ना कमल हुंदा, नहीं हुंदा, इहदे तो बाद असी मुड़ के मीटिंग करके असी पांजी इकट्ठे नहीं होवांगे।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।